नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार में बंपर बहाली, 65,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान, इन दो विभागों में होगी भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में सरकारी पदों पर बंपर बहाली निकालने वाली है। लगभग 20,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 रेगुलर और 8,000 से अधिक संविदा पदों पर नर्स की बहाली की जाएगी। जल्दी बिहार सरकार बहाली प्रक्रिया को शुरू करेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली करने वाली है। बिहार में शिक्षकों के पदों पर बंपर वैकेंसी है। राज्य में जल्द ही 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में यह भी निर्णय पारित हो गया है। प्राथमिक स्कूलों में 40,518 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों में 5,334 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों पर नहीं कर सकेंगे केस, सरकार से लेनी होगी परमिशन। बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि सभी मामले आपराधिक नहीं हो सकते हैं। इस मामले में स्पष्ट है कि नियोजक सरकार है तो सरकार की कार्रवाई की प्रकृति तय करेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य के सभी RDDE, सभी DDO और सभी DPO को बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी या कर्मी का दोष आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं। सरकारी अधिकारी या कर्मी के कार्यकलाप से यदि सरकार को क्षति होती है तो सरकार जो कि नियोजक है उसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करे। पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है। बताया जाता है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है। अगले आदेशों तक सस्पेंड किए गए जज को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार जुडिशियल सर्विस कंट्रोल एंड रूल्स 2020 के रूल 6 के सब रूल 1 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है। जांच के लंबित रहने या अगले आदेशों तक ज्वल कुमार सिन्हा को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल SK पवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना सिटी बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि में उज्ज्वल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे। टीकाकरण महाअभियान में बिहार नंबर 1, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने ली वैक्सीन, CM नीतीश ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया था। बिहार ने भी कल टीकाकरण के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए बिहारवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 17 सितंबर को आयोजित कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 30,67,918 लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। CM नीतीश ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में 17 सितंबर को 30 लाख टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन बिहार ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों को टीकाकरण किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
बिहार में बारिश का अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में तेज गरज के साथ वर्षा की चेतावनी। बिहार में मॉनसून अब कमजोर होने लगा है, बावजूद इसके सितंबर महीने में छिटपुट तरीके से अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे में सुबह के कुछ जिलों में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से तेज बारिश के आसार है। राजधानी पटना और शाहबाद के कुछ जिलों समेत वैशाली में भी बारिश की चेतावनी है। राजधानी पटना में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही पटना शहर और ग्रामीण इलाकों में बूंदाबूंदी हो रही है। मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण और समस्तीपुर के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि आज दिन भर मौसम का मिजाज बदला रहेगा, शाम तक बारिश का सिलसिला थोड़ा कम हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, बिहार के रहने वाले शख्स की मौत, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम के नेहामा इलाके में आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में बिहार के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक अन्य घटना में पुलिसकर्मी के भी शहीद होने की सूचना मिली है। ये दोनों ही हमले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए हैं। बिहार के रहने वाले व्यक्ति की पहचान शंकर चौधरी के रूप में हुई है, जो वहां पर मजदूरी करता था। शंकर चौधरी मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले में प्रीत बिहार गाँव का रहने था। कुलगाम के डीएच पूरा इलाके के निहामा में स्थित एक ईट भट्टे में वह काम करता था। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 6:05 पर आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। गोली लगने से घायल बंटू शर्मा को अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सुरक्षा कर्मी हमलावर आतंकी की तलाश में जुटे थे, तभी रात के करीब 8:50 में एक और हमले की खबर आई। आतंकियों ने इस बार गैर स्थानीय मजदूर को निशाना बनाया और मजदूर की हत्या कर दी। हाल ही में आतंकियों ने श्रीनगर में 25 वर्षीय सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर की हत्या की थी। अब अधिक पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेगा बीपीएससी, पुतली से करेगा अभ्यर्थियों की पहचान, सेंटर पर लगेंगे जैमर। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की पहचान के लिए अब नए तरीके को आजमाने का फैसला लिया है। अभ्यर्थियों की पहचान अब पुतली को स्कैन कर किया जाएगा। इस माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ही इसे लागू कर दिया जा सकता है। बीपीएससी अपने अभ्यर्थियों की पहचान अब आंखों की पुतली से करेगा। आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया है। सूबे में इस माह बीपीएससी के आयोजित परीक्षा में इसे शुरू कर दिया जाएगा। आयोग की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक गजट से कदाचार की संभावना को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पुतली को स्कैन करके डाटा सुरक्षित रख लिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान भी अभ्यर्थियों की पुतली को स्कैन कर उनके डाटा से मिलान कराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के कदाचार की कोई संभावना नहीं रहे। अगर मिलान के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी पर केस दर्ज कराया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमा पर बढ़ी चौकसी, बिहार नेपाल सीमा पर भी नाकेबंदी। बिहार में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता में फिलहाल सबसे ऊपर है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसे देखते हुए अब सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। बिहार में लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डीजी को भी पत्र लिखा है। एसएसबी के डीजी से आग्रह किया गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाए। पंचायत चुनाव में पड़ोसी राज्यों से आने वाले अपराधी गड़बड़ी कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाके में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है। बॉर्डर वाले इलाके पर खास तौर पर नाकेबंदी रखी जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान अपराधी या दबंग किस्म के लोग कोई गड़बड़ी ना कर पाए। पड़ोसी राज्यों के साथ साथ बिहार के नेपाल से सटी सीमा पर भी सुरक्षा मुस्तैद करने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से अर्धसैनिक बल और एसएसबी के जवानों की तैनाती सीमा वाले इलाकों में है। नेपाल से बिहार या बिहार से नेपाल आने जाने को लेकर कोई रोक तो नहीं होगी, लेकिन चुनाव के दौरान खुली सीमा का फायदा उठाकर कोई गड़बड़ी ना फैला पाए, इसके लिए पूरी मुस्तैदी रखी जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी, लेकिन जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की हुई बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक में लिए गए फैसले सामने आ गए हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं रहेंगी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि काउंसिलिंग को ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकतर राज्य इस विचार में सहमत नहीं दिखे। इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई कमी नहीं होने जा रही है। आम आदमी जिसे उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर जीएसटी के दायरे में आती है तो उसे राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि काउंसिल ने तेल विपणन कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए दी जाने वाली बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। हालांकि इस छूट का फायदा तेल कंपनियां ग्राहकों को देती है। बिहार में अब किसान बन गया करोड़ों का मालिक, अचानक से बैंक अकाउंट में आए 52 करोड़ रुपए। बिहार में बीते कुछ दिनों से लोगों के बैंक अकाउंट में अचानक से ढेर सारे पैसे आने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक और मामला अब मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां अचानक एक बुजुर्ग के बैंक अकाउंट में 52 करोड़ आने से लोग हैरान है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के राम बहादुर शाह अपने वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए सीएसपी संचालक के पास गए थे, लेकिन जैसे ही खाता चेक करवाने के लिए उन्होंने अंगूठा लगाया तो सीएसपी संचालक चौंक गया, क्योंकि बुजुर्ग राम बहादुर के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपए थे। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई। बुजुर्ग ने बताया कि वह खेती करके जीवन यापन करते हैं, सरकार से यही मांग करेंगे कि वह उस राशि से कुछ हमें भी मुहैया करा दिया जाए, जिससे हमारा बुढ़ापा गुजर जाए। वह इसी मामले पर उनके बेटे सुजीत का कहना है कि हमारे पिताजी के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपये आ गए हैं, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, सरकार द्वारा मदद की जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।